नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ उसे भुला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस तरीके से दंगाइयों ने तांडव मचाया, अधिकारियों पर हमला किया, उसके बाद से उनका हिसाब तो हो रहा है, लेकिन इसी बीच खूब राजनीति भी हो रही है, क्योंकि दलितों पर जिस तरीके से इन दंगाइयों ने अत्याचार किया उसके बाद से उन्हें न्याय देने की मांग चल रही है। वो बात अलग है कि दलितों के नाम पर राजनीति कर रही भीम आर्मी नगर निगम के उन दलित स्टाफ के घर नहीं जा रही जिन्हें हिंसक भीड़ ने बेरहमी से मारा है। गौरतलब है कि हल्द्वानी हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों को उठाना पड़ा। इसके अलावा वाल्मीकि समाज पर भी खूब अत्याचार इन दंगाइयों ने किया। दलितों ने बताया कि उस दिन दंगाइयों ने उन्हें मारकर जिंदा जलाने के लिए रास्ते में कटीली तार तक बिछा दी थी। इतना ही नहीं, बन भूलपुरा में बवाल काटने के बाद दंगाइयों की हिंसक भीड़ गांधीनगर जैसे रिहायशी बस्ती में घुसकर आतंक फैलाना चाहती थी, जहां अधिकतर परिवार दलित समुदाय के ही हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिसकर्मी, नगर निगम के स्टाफ और दलित परिवारों ने खुद की रक्षा की, उससे इन दंगाइयों के मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भीम मीम चिल्लाने वाले अब किस बिल में घुस गए हैं? अब उनकी जुबान से एक शब्द भी क्यों नहीं फूट रहा है? जिन मीम वालों के पैरों में गिरकर भीम वाले उनको अपना मसीहा मान बैठे थे, अब उन्हीं शांत दूतों ने हल्द्वानी में दलितों पर ऐसा अत्याचार किया कि रूह कांप गई और भीम और मीम दोनों के मुंह से अब कुछ नहीं निकल रहा है। दोनों की जुबान सिल गई है। सदन में जय भीम जय मीम चिल्लाने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी जुबान पर ताला लग गया है। वो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक वक्त सदन में जय भीम और जय मीम चिल्लाते थे। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर, जो कानून के बमूजब तय पाया है, एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम जय मीम, तकबीर अल्लाहु अकबर, जय हिंद। ओवैसी तो ओवैसी, दलितों के सबसे बड़े नेता बनने निकले भीम आर्मी वालों की भी असलियत अब सबके सामने आ गई है, क्योंकि हल्द्वानी पहुंचे भीम आर्मी के प्रतिनिधिमंडल को बन भूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिमों की चिंता है, लेकिन घायल हुए दलितों के लिए उनके दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। इसीलिए तो अभी तक उनकी मांग पत्र में दलित वर्ग से आने वाले नगर निगम के स्टाफ और गांधीनगर के घायलों के लिए कोई जगह नहीं है, जिससे साफ समझ आता है कि भीम मीम की दुहाई देने वालों की अब पोल खुल चुकी है और सच्चाई सबके सामने है। बाकी इनके आकाओं को अब ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते हैं।